प्रणाम जी सुंदर साहब जी। बड़े द्वार बड़े चबूतरे, इत सोने के कमाड़, जड़ाव चारों द्वारनी, एक जवेर मोहल पहाड़। पुखराज पहाड़ की हजार भौमों पर हजार हंस चांदनी, हंस हंस पर हजार हंस मोहलाते, या चार हार हवेली जिनमें चार हवेलियों की चार हारें आई हैं। घेर कर आए हजार हंस जिनमें चारों दिशाओं में चार बड़े दरवाजे आए हैं, और शेष जो 996 हंस रह जाते हैं वहां पर हजार हंस मोहलाते आए हैं। एक हंस की शोभा देखें तो चार हवेलियों की चार हारें, ठीक मध्य में 50 कोस का त्रिपोलिया और दाएं बाएं की त्रिपोलिए 25 25 कोस की। 50 कोस का जो त्रिपोलिया आया है उनके भीतर और बाहर की तरफ दरवाजों की शोभा, दरवाजों के दाएं बाएं चौरस चबूतरों की शोभा। हाँ सांस पर बाहरी तरफ गोल गोल और भीतरी तरफ अष्टमेरावी चबूतरों की शोभा। हजार हंस महलों की पांच भोग छठी चांदनी, और चारों दिशाओं में बड़े द्वार आए हैं। चारों दिशाओं में बाहरी तरफ और भीतरी तरफ बड़े दरवाजों की अपरंपार शोभा। इन शोभा को सदगुरु महाराज श्री जी जोहर दास महाराज जी की प्रेरणा से समझने का प्रयास कर। चारों दिशाओं में चार बड़े दरवाजे आए हैं, चारों दिशाओं में चार बड़े दरवाजों की शोभा आई है। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजों की शोभा भीतर की ओर और बाहर की ओर समान रूप से शोभायमान। इन शोभा को देख रहे हैं, चारों दिशाओं में चार बड़े दरवाजे आए हैं। सो दरवाजे 300 कोस के चौड़े ऊंचे 5 फूट तक एक ही मेहराब आई है। चारों दिशाओं में जो बड़े दरवाजे आए हैं वो 300 कोस के तो चौड़े हैं, 300 कोस की चौड़ाई लिए हैं, और ऊंचाई में उनकी एक ही भूमि में 5 भूमि समाई हैं। दाएं बाएं देखिए 5 भूमि, और इनकी एक ही भूमि में 5 भूमि समाई हैं। सो दरवाजे 300 कोस की चौड़े ऊंचे 5 फूट तक एक ही मेहराब आई है। इन दरवाजे की बाहरी तरफ छज्जे के ऊपर 100 कोस के चबूतरे कमर भर ऊंचे आए हैं। इन दरवाजों की बाहरी तरफ देखते हैं दोनों तरफ 100 100 कोस के चबूतरे आए हैं, कमर भर ऊंचे चबूतरे। जिन चबूतरों पर चार थंब उठे इन चबूतरों की ऊंचाई 5 फूट तक की आई है। इन चबूतरों के चारों कोनों पर चार थंब उठे, चारों कोनों तक चार थंब उठे, और इन चबूतरों की ऊंचाई भी 5 फूट की आई है। जिन चबूतरों पर चार थंब उठे हैं इन चबूतरों की ऊंचाई 5 फूट तक की आई है। दोनों चबूतरों के मध्य 100 कोस का चौक आया है। ऐसे दो चबूतरे भीतरी तरफ भी आए हैं। दो चबूतरों के बीच में 100 कोस का लंबा चौड़ा चौक आया है। दाएं बाएं गोल त्रिपोलिया आए हैं। ऐसे दो चबूतरे भीतरी तरफ भी आए हैं, दाएं बाएं गोल त्रिपोलिया आए हैं। इनके दाएं बाएं देखते हैं तो गुर्जों की शोभा। ये व्यू भीतर की तरफ का है तो यहाँ पर अष्टमेरावी चबूतरों की शोभा, बाहर की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर गुर्जों की शोभा होगी। गुर्जों के भीतर जाते हैं तो त्रिपोली की शोभा है।
दाएं बाएं त्रिपोलिया की पांच पांच भौं दरवच्चे के बीच के चौक से सब दिखाई दे रही हैं। जो दाएं बाएं त्रिपोलिया आई हैं, सौ कोस के बड़े त्रिपोलिए जहां पर गुर्ज की शोभा हुई, तो इन दरवाजे के चौक से दाएं बाएं की त्रिपोलियों की सब शोभा नजर आएगी। दाएं बाएं त्रिपोलिए की पांच पांच भौं दरवाजे के बीच के चौक से सब दिखाई देती है। बड़े दरवाजे की बाहर की ओर से शोभा, 300 कोस में द्वार की शोभा, ठीक मध्य में 100 कोस में दरवाजा, इनकी मेहरा पांच भौं ऊंची, दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे चारों कोनों पर थम, इन चबूतरों की ऊंचाई भी पांच भौं की आई है। और दाएं बाएं गोल गुर्जों की शोभा, इन दरवाजे के चौक से भीतर जाते हैं तो दाएं बाएं त्रिपोलियों की शोभा नजर आएगी। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं, भीतर जाते हैं तो दाएं बाएं त्रिपोलिए आगे मोहलातों की पांच पांच भूमि सब दिखाई देंगे। दाएं बाएं त्रिपोली की पांच पांच भौं दरवाजे के बीच के चौक से सब दिखाई देंगी। दरवाजे के दाएं बाएं जो चार चार हवेलियां आई हैं, उनके आठ आठ चबूतरे भी दिखाई देंगे। इन चौक में है दाएं बाएं त्रिपोलियों की पांच भौमे, इन हवेलियों की पांच भौमे, और जो चौरस चबूतरे आए हैं वो सब दर्शन होंगे। दोनों तरफ हवेलियों के 30 त्रिपोलिये चबूतरे धम पांचों भूमों के दिखाई देते हैं। दोनों तरफ जो त्रिपोलिये आए हैं, एक तरफ पांच, एक तरफ पांच भूमि है और एक भूमि देखते हैं तीन त्रिपोलिये, तो पांच भूमों में 15, दोनों तरफ के त्रिपोलिये हो जाते हैं 30। दो थंबों की हर तीन गली, नूरमयी त्रिपोलियों की शोभा, चबूतरी थंब पांचों भूम तक सब शोभा दिखाई दे रही है। ऐसी वनक चारों दरवाजों पर आई है। हजार हाथ हवेलियों की ऊंचाई पांच भूम की, चारों बड़े दरवाजों की ऊंचाई 10 भूम 11वीं चांदनी आई है। हजार हाथ जो हवेलियां आई है उनकी पांच भूम छठी चांदनी, और ये जो बड़े दरवाजे आए हैं इनकी 10 भौं 11वीं चांदनी आई है। 2000 चौकटे गुर्ज बाहर, तैसी ही भीतर 2000 गुर्ज। हजार हाथ हवेलियों में देखते हैं 2000 चौकटे गुर्ज, बड़े दरवाजों के दाएं बाएं जो चबूतरों की शोभा आई थी, 2000 चौकटे गुर्ज बाहर की तरफ है, इसी तरह भीतर की तरफ भी है। बाहर 1000 गोल गुर्जे, भीतर तरफ 8 मेहराबी सब ऊपर ऊपर आए हैं। बाहर की ओर देखते हैं तो 1000 गोल गुर्जों की शोभा आई है, भीतर की ओर अष्ट मेहराबी चबूतरों की शोभा आई है। इस प्रकार से इन वीडियो के माध्यम ने सद्गुरु महाराज श्री जी ने शोभा दिखलाई चारों दिशाओं में। 1000 हाथ सब जो चांदनी आई है पुखराज की, 1000 भूमों पर 1000 हाथ चांदनी, उनके चारों दिशाओं में जो बड़े दरवाजे आए हैं उनकी शोभा का वर्णन किया है। चारों दिशाओं में 300 कोस के चौड़े दरवाजे आए हैं। कोस तो जो हाथ है 400 कोस के आए हैं, लेकिन 50-50 कोस गुर्जों के निकल जाने से शेष 300 कोस रहते हैं। इनमें ठीक मध्य 100 कोस में द्वार की शोभा आती है, बड़ा दरवाजा जिनकी मेहरा पांच भौं ऊंचाई लिए है, और दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे, चबूतरों की ऊंचाई भी पांच भौं की आई है। इन द्वारों से भीतर जाते हैं तो देखेंगे दाएं बाएं जो बड़ा त्रिपोलिया आया है, इन गुर्जों से भीतर जाते हैं तो बड़ा त्रिपोलिया, दाएं बाएं त्रिपोली की पांच भूमि, आगे शोभा देखेंगे जो 1000 हाथ सवेलियां आई हैं उनकी पांच भूमि,
धर्मभूम उनके मुख्य दरवाजे, चबूतरों की शोभा, उनमें आई त्रिपोलियों की शोभा, सब यहां से दर्शन होगी। बाहर की ओर कोल गुर्जों की शोभा आई है, जिनमें तीन दरवाजे हैं, भीतर जाते हैं तो त्रिपोलिया। भीतर की ओर यहाँ पर इस स्थान के भीतर की ओर अष्टभैरावी चबूतरों की शोभा आई है। भीतर की ओर अष्टभैरावी सुंदर शोभा लिए चबूतरे, मुख्य दरवाजे के दर्शन, दाएं बाएं चबूतरों के दर्शन, जिनकी एक ही भूमि में पांच भूमि समाई है। ईजो कहे चार द्वार, ता आगे आठ चबूतर, हर चबूतरों चार थम, एक गुरुश बनी तापर। पुखराज पहाड़ की हजार हाथ चालनी पर, चारों दिशाओं में बड़े द्वारों की शोभा। ऊंचे अत्यंत ये द्वार, जिनकी एक ही भूमि में पांच भूमि समाई, और इन द्वारों के दोनों ओर चबूतरों की शोभा। गुर्जों के माफक शोभाए मानिए चबूतरे, इन चबूतरों की किनारों पर रतन जड़ित कठेड़ों की शोभा, नूरमयी बैठकों की शोभा। प्रत्येक चबूतरे पर अनेक रंगों के रतन जगमगाते हुए दिखाई दे रही है। यूं आठ चबूतरे बाहर, ऐसे ही आठ बने अंदर, गोख कठेड़ा छज्जे बैठक, मानो बने नूर मंदिर। जैसे बाहर की तरफ आठ चबूतरों की शोभा हुई, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे और उनके सन्मुख आए दो दो चबूतरे। बाहर की तरफ आठ चबूतरे, ऐसे भीतर की तरफ भी आठ चबूतरों की शोभा आई है। इन चबूतरों पर कठेड़ा छज्जी बैठक के रूप में शोभायमान है, ऐसा प्रतीत होता है मानो नूरमयी जगमगाते हुए मंदिर बने हैं। ये द्वार पुखराज माफक, चबूतरा तिन माफक, छज्जे बने तिन माफक, जहां बैठक करत है हक। चारों दिशाओं में आए बड़े दरवाजे, पुखराज पहाड़ के समान ही सुंदर शोभा लिए ऊंचे आए। दरवाजों के अनुसार चबूतरे भी ऊंचे आए हैं। जहाँ विद्यमान होकर आप श्री राजी श्यामा जी अनेक प्रकार की लीला विहार करते हैं। बड़े द्वार और उनके दोनों ओर चबूतरों की शोभा। दोनों चबूतरों के मध्य विस्तार लिए सुंदर चौक की शोभा। इन द्वार ऊपर कही चांदनी सो चौड़ी एक हाँस भर, तिन पर बनिया कठेड़ा सो कहिया मोमिन खातिर। पांच फूम के ऊंचे इन दरवाजों के ऊपर एक हाँस की लंबी चौड़ी चांदनी, जिन पर मोहलातों की शोभा, पांच फूम छठी चांदनी के। इन पांच भूम ऊंचे बड़े दरवाजों के ऊपर एक हाँस की लंबी चौड़ी छठी चांदनी, जिसके अंदर और बाहर कठेड़ा, और छठी चांदनी से दसवीं चांदनी तक महलों की सुंदर शोभा, मोहलातों की सुंदर शोभा। इन बड़े द्वार के ऊपर छठी चांदनी के ऊपर पांच भूम के और ऊंचे महल आए हैं, जिससे इन बड़े दरवाजों की कुल ऊंचाई 10 भूम 11वीं चांदनी हो गई है। पुखराज की चांदनी से 10 भूम 11वीं चांदनी आई है।
पुखराज की चांदनी से 10 गुण 11वीं चांदनी आई है। पांच फोम की ऊंचाई में तो बड़े विशाल दरवाजों की शोभा और द्वारों के ऊपर 5 भौम की मोहलाते, तो इस तरह से पुखराज की चांदनी से इन बड़े दरवाजों की 10 भौम 11वीं चांदनी आई है। बाहर भीतर चौकते गुर्ज यहाँ तक आए हैं, फिर यहाँ से 4 थम उठे ऊपर गुमट कलश ध्वजा पताका की शोभा है। भीतर की तरफ जो चौरस चबूतरे थे वो भी यहाँ तक उठे हैं, और बाहर की तरफ जो चौरस चबूतरे थे वो भी उठे हैं, उन पर 4 थम उन पे गुमट कलश ध्वजा पताका की शोभा। चांदनी पर कुमट कलश ध्वजा पताका की सुंदर शोभा। इनकी ऊंचाई पुखराज की चांदनी से 11वीं भौम 12वीं चांदनी आई है। ये जो गुमट आए हैं कलश ध्वजा पताका, ये 11 भौम 12वीं चांदनी की है। बड़ा सुंदर सच्ची।